Assalamualaikum students, I have shared an advertisement with you published by FPSC and it's available on official website. Last date is 16th of October 2023. Okay, lecturer male, ये इसमें lecturer jobs भी हैं और बाकी सारी और jobs भी हैं, मैं आपको सारी बता देती हूँ. Lecturer का वेट बहुत सारे students कह रहे थे ना, तो ये lecturer jobs अनाउंस की गई हैं. सो लेक्चरर मेल जॉब्स, परमानेंट डायरेक्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो रिक्वायर्ड है मास्टर्स डिग्री. मास्टर्स किस किस में, इंग्लिश की सीट्स हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की सीट्स हैं, ठीक है, लेक्चरर इंग्लिश हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. बाकी एज लिमिट जो है ये 22 से 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद लेक्चरर फीमेल की जॉब्स हैं ये दोबारा से, इनमें भी ये भी मास्टर्स डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है और इंग्लिश और फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन. लेक्चरर फीमेल जॉब्स ये भी आपको मैं बता देती हूँ, जो एज लिमिट इसमें रखी गई है वही 28 साल तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं. और जो मैथमेटिक्स हैं, पर्शियन हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट ये जॉब्स हैं, ठीक है, ये 19 स्केल की एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब्स हैं और इनमें बेसिकली एमफिल वाले अप्लाई करेंगे, इस्लामियात मैथमेटिक्स पाकिस्तान स्टडीज़ फिज़िक्स में जिनका लाइक एमफिल है वो अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट 40 साल तक है. उसके बाद मेल की जॉब्स हैं ये, नर्स मेल और फीमेल, इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नर्सिंग की कौंसल से बेसिकली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है. 28 साल एज लिमिट है. उसके बाद असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं और ये हैं आपकी 17 स्केल की जॉब्स. बीए बेस पे आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 साल इसमें एज लिमिट है. नेक्स्ट पे आ जाइए. अच्छा, अब ये है असिस्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब्स हैं, 17 स्केल की जॉब्स हैं. इसमें बेसिकली जो अप्लाई कर सकते हैं वो 28 साल तक कर सकते हैं. ये भी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वालों के लिए जॉब्स हैं. नेक्स्ट है रिसर्च एसोसिएट की 16 स्केल की जॉब्स हैं, इनमें मास्टर्स डिग्री. अच्छा, ये 16वें स्केल की नौकरियाँ हैं. मास्टर्स डिग्री अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है, स्टैट्स किया है, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स पे. उसके बाद है सुपरवाइज़र, ये हैं 16 स्केल की जॉब्स हैं, ठीक है, और बैचलर्स डिग्री आपकी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्टैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एलएलबी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 साल तक एज लिमिट है, ठीक है. 17 स्केल की लेक्चरर की जॉब्स बची आ गई हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं. और एज लिमिट इसमें मैंशन की गई है आपकी लाइक 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले अप्लाई करेंगे. उसके बाद ये नेक्स्ट कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर, 18 स्केल की जॉब्स हैं. इसमें क्वालिफिकेशन पीएचडी चाहिए, ये कमिंग स्टूडेंट्स होंगे. उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 18 स्केल की जॉब्स हैं, इसमें जो अप्लाई करेंगे मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, फिज़िक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, साइकोलॉजी और इनमें अगर है 35 साल एज लिमिट है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा. अपर एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है इसमें. नेक्स्ट पे आ जाइए. अच्छा, ये हैं वैकेंसीज, इनमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो लेक्चरर फीमेल जॉब्स हैं ये, केमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन, होम इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, साइकोलॉजी, फिज़िक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथ्स, कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, तो आप सब इनमें 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पे आ जाइए. लाइब्रेरियन की सीट्स हैं, इन पर बहुत बच्चे बैचलर्स वाले बच्चे जिन्होंने बीए किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. 28 साल तक उनकी एज चाहिए, 28 साल तक अगर उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं. और इसमें बेसिकली जो स्केल है ये 16वां स्केल है, 16वें स्केल की नौकरी है. इंस्पेक्टर की सीट्स आ गई हैं, ये 16 स्केल की हैं और इनमें जो अप्लाई करेंगे वो बेसिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो
बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई करेंगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फिर नीचे दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपने www.fpsc.gov.pk पे जाना। बाकी जो प्रीवियस FPSC की जॉब्स आई थी मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो उनका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह दिसंबर में, उनका पेपर ले लिया जाएगा जो फीमेल लेक्चरर जॉब्स आई थी। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ अवेलेबल है, आपने किसी भी कैटेगरी पे अप्लाई करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रिपरेशन करनी है सेशन के साथ, मैं तमाम स्टूडेंट्स का अप्लाई करवाती हूँ, प्रिपरेशन भी होती है जिसमें, और आपको अप्लाई भी करवाया जाता है। फर्दर कोई और जॉब हो, कोई और सीट हो, सिर्फ एक सीट पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, सीट्स आती रहती हैं, उन पे भी आपको डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी आती हैं, उन पे भी आपको अप्लाई करवाया जाता है। मेन चीज़ ये होती है, ये नहीं कि बस अब जॉब आ गई है आपके लिए कोई स्पेशल जॉब है आपने बस उस पर अप्लाई करना है, नो, आपको प्रिपरेशन करने सेशन में इनरोल होना पड़ता है, उसके साथ साथ जो आती हैं आपको उसमें अप्लाई करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जॉब्स का। So take care of yourself. Allah Hafiz.